हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखते हैं नवा क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा है प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग S7 इक्वल टू कितना दिए हैं? 49 दिए हैं। तो यहाँ से अगर हम पदों का योग फल निकालेंगे तो S7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 ना, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो n के स्थान पे 7 रखेंगे। थोड़ा सा और बड़ा लिखें, 7 रखेंगे और यहाँ पे n के स्थान पे भी 7 रखेंगे, 7। तो S7 के स्थान पे 49 रखेंगे। 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6d आएगा। और यहाँ से देखिए, दोनों में कॉमन है ना, तो 2 कॉमन लेंगे। 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2। जब 2 को हम बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा। प्लस 2 को बाहर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3d। 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 × 1 = 49, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन आ गया ना। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। कह रहा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग S17 इक्वल टू 289 दिए हैं। तो यहाँ से दूसरा समीकरण आएगा, S17 इक्वल टू n/2। n के स्थान पे कितना रखेंगे? 17 रखेंगे। 17/2 2a प्लस n-1। 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16d। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। और S17 के स्थान पे कितना रखेंगे? 289 रखेंगे। तो 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2। यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा? a बचेगा। a प्लस 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 बचेगा, 8d। से 2 कैंसिल होगा, 17 × 17 17 × 17 17 × 119। तो ये कितना आ गया? 17 आया। तो a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ से दूसरा समीकरण आया। फिर यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7। फिर a प्लस 8d इक्वल टू कितना? 17। माइनस माइनस माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस करेंगे तो इससे a कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। माइनस 5d इक्वल टू 17 में से 7 घटाएंगे तो -10 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो d इक्वल टू 10/5। 5 × 5 5 × 2 = 10। d इक्वल टू 2।
डी कितना आया? दो आया। अब हम डी की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी। तो रखते हैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है? ए प्लस थ्री डी इक्वल टू सेवन, थ्री डी इक्वल टू सेवन, ए प्लस थ्री डी, डी के स्थान पे कितना रखेंगे? टू रखेंगे, टू इक्वल टू सेवन, ए प्लस तीन दूनी छः इक्वल टू सेवन, ए इक्वल टू सात, सात में से छः घटाएंगे ना, छः को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, एक आ जाएगा। प्रथम पद कितना आया? एक आया। तो ये कह रहे हैं इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n पदों का योगफल निकालना है ना, तो निकालते हैं। n पदों का योगफल, n, हाँ n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो n नहीं पता है, ऐसे लिखेंगे बाई टू टू ए, ए के स्थान पे कितना रखेंगे? ए की वैल्यू कितनी आई है? वन आई है। वन प्लस n नहीं पता है, ऐसे ही रखेंगे। d, d के स्थान पे कितना रखेंगे? टू रखेंगे, टू n बाई टू, दो एक के दो प्लस n माइनस वन इंटू टू। तो यहाँ से देखिए टू टू कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेंगे टू टू, n बाई टू, n बाई टू इंटू टू। तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन बचेगा प्लस n माइनस वन बचेगा ना, जब दो को बाहर ले लिए तो क्या बचेगा? n माइनस वन ही तो बचेगा। तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल होगा, तो ये क्या आया? n इंटू, यहाँ पे क्या बचा है? n बचा है ना, n इक्वल टू n स्क्वायर। n पदों के योगफल का, n पदों का योगफल कितना आया? n स्क्वायर आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। दर्शाइए कि ए वन ए टू डॉट डॉट ए वन से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो इसका पहला पार्ट है ए एन इक्वल टू ए प्लस फोर एन। तो दसवें का पहला पार्ट देखते हैं, दसवें का पहला पार्ट। समांतर श्रेणी दिया है ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन। तो दिया है, पहला पार्ट है, पहला पार्ट ए एन इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन, थ्री प्लस फोर एन है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम कितना रखेंगे? एक दो तीन चार रखेंगे। n इक्वल टू, n इक्वल टू एक दो तीन चार रखने पर, तो n, n के स्थान पे कितना? वन रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? a वन होगा, ए वन इक्वल टू थ्री प्लस फोर, एन के स्थान पे वन रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? थ्री प्लस चार एक के चार, तो ये आ जाएगा सात।
A1, A1 की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। फिर A2 निकालते हैं, n के स्थान पे फिर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11 आ गया। तो A2 कितना आया? 11 आया। फिर A3 निकालते हैं, A3 इक्वल टू A3 प्लस 4 इंटू 3, एन के स्थान पे आप 3 रखेंगे ना, इक्वल टू 3 प्लस 4 की आई 12, 12 3 15। तो A3 की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। तो इसे समांतर श्रेणी में लिखेंगे तो 7 11 15 डॉट डॉट। तो ए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए इक्वल टू 7 है। डी सार्वंतर, दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो सार्वंतर कितना आया? 4 आया। तो ये कह रहे हैं यदि n दिए गए अनुसार, हाँ कह रहे प्रत्येक स्थित में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग निकालना है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है? S 15 इक्वल टू n बाई 2 टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 होता है ना, n के स्थान पे 15 रखेंगे तो यहाँ भी 15 रखेंगे, 15 तो 15 बटे 2, 2 गुणे a, a के स्थान पे कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, 7 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, गुणे d, d कितने कितना है? 4 है, 4 रखेंगे, 15 बटे 2 गुणे 7 दूनी 14 प्लस 14 चौका 56, 15 बटे 2 गुणे, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन मिल रहा है ना इसमें, या तो फिर कॉमन ना ले, पहले जोड़ ही ले, 6 4 10, 5 1 6 1 7 70 आ गया। तो 70 में 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, 15 गुणे 35 इक्वल टू 15 5 75, 7 हासिल, 15 3 45, 45 7 51, तो कितना आया? 515 आया। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 n। दूसरा पार्ट भी ऐसे लगेगा जैसे इसे लगाए हैं, दूसरा पार्ट है दसवें का, ए एन इक्वल टू कितना दिए हैं? ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 n, 9 माइनस 5 n। तो यहाँ भी n की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 2 3 4 रखेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर 3 तक ही रखते हैं। तो a n, n के स्थान पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, a 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 गुणे n, n है ना, n के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर A2, n के स्थान पे कितना? 2 रखे हैं, तो 9 माइनस 5, n के स्थान पे 2 रखेंगे,
9 माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा। ए 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 गुणे 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 तिहाई 15 होगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 6 आएगा ना। तो ये श्रेणी क्या आई, 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए आया, प्रथम पद ए इक्वल टू 4 आया। डी सार्वंतर, दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों के आगे माइनस माइनस है, माइनस 5। तो सार्वंतर कितना आया, माइनस 5 आया। तब यहाँ भी हम पदों का योगफल निकालेंगे, तो हाँ कह रहा प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 पदों का योग। एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एन के स्थान पे 15 रखेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं 15 पदों तक, एन 15 दिए हैं, बटे 2, 2 गुणे ए, प्रथम पद कितना आया है, 4 आया है, 4 रखेंगे, प्लस 15 माइनस 1 डी, डी कितना आया है, माइनस 5 आया है, माइनस 5 रखेंगे, 15 बटे 2, 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, गुणे माइनस 5 है, 15 बटे 2 8 प्लस, अब प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, माइनस 14 पंचे 70 आएगा, 15 बटे 2 गुणे माइनस है ना, तो घटाएंगे इसे कितना आएगा, 70, 70 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, 62 और माइनस में आएगा, तो माइनस को हम यहाँ आगे लिख सकते हैं ना, माइनस चिन्ह आगे लगाएंगे, तो 2 एक के 2, 2 से 62 कटेगा, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 15 से 31 में गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस है तो माइनस आगे रहेगा ही, 15 एक के 15, 1 हासिल, 15 तिहाई 45, 45 एक 46, 15 पदों का योगफल कितना आया, माइनस 465 आया।